गोरखपुर जिले के गुलहरिया थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर एक में शादी के चौथे दिन रात में चौथ लेकर आए ससुराल वालों से दहेज की बात को लेकर वाद विवाद के बाद मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडा चला, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हो गए। डायल 112 की सूचना पर मुकामी पुलिस पहुंची। घायलों को इलाज के लिए भटहट स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहाँ से दो गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, गोरखपुर जिले के गुलहरिया थाना क्षेत्र के डुमरी नंबर एक के चिरकुट टोला निवासी निषाद पुत्र मेवालाल निषाद का 9 दिसंबर को विवाह महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के महानगर निवासी अमरजीत की पुत्री से हुआ था, और चौथे दिन जितेंद्र निषाद बहुर्वत लेकर अपनी बेटी के ससुराल गए। उन्होंने थाने में तहरीर देकर बताया कि दहेज को लेकर विवाद हो गया। 3,20,000 देने के बावजूद सोने की चैन मांगने लगे, जिसको लेकर तू-तू मैं-मैं होने लगा। ईश्वर, अजय, बबलू, राजकुमार, महादेव, रवि समेत 10 की संख्या में आए लोगों ने लाठी डंडे और राड से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों से दर्जन भर लोग घायल हो गए। लड़की का भाई विष्णु साहनी और दूल्हे के चाचा छोटे लाल साहनी बेहोश हो गए। प्रमोद अमरजीत, परमहंस रामवचन मुन्ना, गिरजानंद संतोष को भी चोटें आई। गंभीर रूप से विष्णु साहनी, छोटे लाल साहनी का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। गिरजानंद साहनी, क्या मामला है? मामला यही है सर, हम डुमरी नंबर एक में अपने भाई के लड़की के शादी के में जो हथियार लेकर के आए थे, खाना खाने के लिए हम बैठाए थे आदमी लोगों को, और कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग बैठे थे, और उसी में दहेज प्रथा की बात ये लोग करने लगे आपस में, भाई साहब हमारे, और उसी में मारपीट झगड़ा शुरू हो गया। पहले हमको ही मार के गिरा दिए सर, पूरा ब्लेड देखिए अभी दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लेड अभी एक नोशा पूरा बुड़ गया, दूसरा तौलिया दूसरा लेके आया हूँ सर, पूरा बुड़ गया है। तो मतलब दहेज की बात को लेकर? हाँ, दहेज को बात को लेकर। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल 7-8 लोग हुए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत निषाद है। कहाँ के जाने वाले? मैं ग्राम सभा रामनगर, थाना पनियरा और जिला महाराजगंज का स्थायी निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं जंगल डुमरी नंबर एक में अपने स्वर्गीय भाई के लड़की की शादी में जंगल डुमरी नंबर एक में मेवालाल साहनी के वहाँ किया हूँ, चिरकुट टोला में 9 तारीख को मेरे को वहाँ बारात, हाँ, ब्याह संपन्न हो गया। मैं चौथियार लेकर के आया हूँ कल रात में इनके घर, और वहाँ जो मेरे लड़का गया कि मैं अपनी सिस्टर से मिलूं, वहाँ गाली दे करके मार थप्पड़ मार कर भगा दिए कि साले अभी हमको चैन नहीं दिए, मिलने नहीं देंगे तुम लोगों को। अच्छा, तो दहेज को लेकर लाठी डंडा? हाँ, मिलने नहीं देंगे तुम लोगों को, उसके बाद ही मिलने देंगे। उसी बात पे इतना लाठी डंडा मारना शुरू किया, इतना लाठी डंडा वहाँ पे 15 लोग थे। अब हम लोग बाहर के क्या जाने कौन है कौन नहीं है, फिर भी 2-4 लोगों को हम लोग पहचाने हैं कि फला फला है, उनका नाम हम तहरीर में मैं दिया हूँ। और मैं प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जब लड़के वाले भी लड़की वाले भ्रष्टाचार करेंगे तो उस पर उचित कार्रवाई करके दहेज उत्पीड़न को रोका जाए, क्योंकि ऐसे बहुत लड़कियां आत्महत्या कर लेंगी। अब मेरी लड़की किस स्थिति में होगी, अब वो जान रही होगी कि मान सम्मान में सम्मानित आदमी हूँ, अमरजीत निषाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य। अब मेरी लड़की रो रही है, मैं फोन किया हूँ कि पिताजी मैं पापा मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा आपके साथ ये लोग किए। हमने कहा बेटी ऐसा कुछ नहीं करना, मैं प्रशासन के सहारा ले रहा हूँ, जो भी कार्रवाई होगा मैं कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा उन लोगों के साथ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, थाना गुलरिया के अंतर्गत डुमरी नंबर 1 गांव में एक बारात आई थी, बारात सकुशल संपन्न हो गई थी। उसके 4 दिन बाद जो कार्यक्रम होना था रस्म, उसमें वो लड़की वाले आए थे, जिसमें कुछ विवाद हो गया, विवाद में मारपीट हो गई, इसमें कई लोग चोटिल हो गए। इसको लेकर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और शीघ्र विवेचना करके जो अभियुक्त होंगे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अच्छा, नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया कि शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कर लें।